Morning, my baby sharks. How are you all? So today we are going to do dress and color number 8. And what is the spelling of number 8? E-I-G-H-T. 8. Can we repeat again? E-I-G-H-T. 8. So let's get started. Brown color, yellow color, dark green color, white color, blue color, red color, sky blue color, teal green color, violet color, orange color, skin color, light green color, pink color, and black color. So friends, as we have discussed earlier कि हम कोई भी number कोई किसी भी object को या numbers को trace करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, outlines को trace करते हैं, उसके बाद अंदर color fill करते हैं. उससे क्या होता है, हमारा जो drawing है बहुत ही neat बनता है, बिल्कुल neat and clean बनेगा और बिल्कुल भी डर्टी नहीं होगा. सी लाइक दिस. डू यू नो विच फेस्टिवल इज कमिंग अप? जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे. राइट, सेंटा क्लॉस इज कमिंग अराउंड. सो जब विंटर्स होते हैं ना, तो ये वाले सेंटा वाले ट्रीज हमको बहुत जगह देखने को मिलते हैं. तो आज हम लोग नंबर 8 से सेंटा ट्रीज को कलर करने जा रहे हैं. सो As you can see, I have colored the one picture. How many are left? Can we count? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pictures are still left. Let's color the second picture. Wow, see what a beautiful tree it is. So, as you can see, our second picture is also done. Let's start with our third picture. पहले हम लोग outline को color करेंगे, उसके बाद अंदर कलर को फिल करेंगे. आप कोई भी कलर ले सकते हो, आप चेक क्रेयॉन्स ले सकते हो, आप वैक्स क्रेयॉन्स ले सकते हो, आप पेंसिल कलर ले सकते हो, स्केच कलर ले सकते हो. अगर आप बहुत बड़े बच्चे हो और आपको ब्रश पेंटिंग करना बहुत पसंद है तो आप पेंट कलर्स भी ले सकते हो. देखो इतना क्यूट क्यूट ये ट्रीज बन रहे हैं, क्रिसमस ट्रीज. आप सभी को जिंगल बेल वाली ड्राइंग याद है कि नहीं? अगर आप सभी को जिंगल बेल वाली ड्राइंग याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको फटाफट लर्न कर लो, क्योंकि अभी अभी जिंगल बेल वाली ड्राइंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्रिसमस तो आने वाला है. सी What a beautiful picture. So, as you can see, I have colored 1, 2, 3, 4. How many are left? Can we count? 1, 2, 3, 4 are still left. So, let's do it with dark green color. सेम मेथड यहाँ पे भी हमको अप्लाई करना है. पहले हम लोग आउटलाइन को ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंदर कलर को फिल करेंगे, जिससे कि हमारा
ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी प्रिटी लगेगा। स्कूल के भी नोटबुक्स में हम लोग ऐसे ही ट्रेसिंग करेंगे अगर, तो मैम आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगी, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। आप ऐसे ही मेरे चैनल को देख के बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें सीख सकते हो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम क्या है? बेबी शार्क लर्निंग्स। Firstly, we will do the outline, then we will fill color inside. A perfect way to do coloring. See what a nice color it is. It's a dark green color. सो माई डियर फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, सारे ट्रीज को ऑलमोस्ट कलर कर लिया है। सो कैन वी रिपीट, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, कैन वी काउंट इट अगेन? सो लेट्स स्टार्ट आवर काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? देयर आर 8 क्रिसमस ट्रीज। सो वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ 8? EIGHT. चलिए इसमें कलर फिल करते हैं। आई विल टेक द ब्लू कलर फर्स्ट। विच कलर इज दिस? डार्क ब्लू कलर, यू कैन कॉल इट इंडिगो कलर ऑल्सो। हैव यू सीन रेनबो? रेनबो देखा है? रेनबो में जो कलर आता है ना, इंडिगो, डार्क ब्लू, ये वही वाला कलर है, डार्क ब्लू कलर। लेट्स स्टार्ट कलरिंग आवर आई। आई विल टेक द पिंक कलर। पिंक कलर इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सी, लेट्स टेक द स्किन कलर फॉर आवर लेटर G. Mesmerizing. Let's take our orange color for letter H. E, I, G, H and letter T. EIGHT 8. The spelling of number 8 is EIGHT 8. Now let's fill the number 8 with brown color. See, so friends, as you can see, I have traced the number 8 today. So if you like my channel, please don't forget to subscribe to my channel for fun learning videos, and do comment in the comment box that you know the jingle bell rhymes or not. Okay, see you next time. Till then, take care. Bye-bye.